हेलो गाइस, कैसे हो आप? सो उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। वेलकम टू यूट्यूब चैनल मिस्टर सीस्टैक। तो आज की वीडियो के अंदर मैं यहाँ पे आपके साथ जो ट्रिक शेयर करने वाला हूँ, आपके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, ठीक है। अगर अभी भी आपके साथ वो प्रॉब्लम है तो अभी भी आपके पास वो बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, ठीक है। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेना, ठीक है, बिना स्किप किए। अगर आप स्किप करोगे तो कोई भी आप यहाँ पर स्टेप मिस कर दोगे तो वो आपके लिए प्रॉब्लम होगी यार, ठीक है। इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेना। आपके सामने एक अकाउंट शो हो रहा है जो कि पर्सनल मेरा अकाउंट है, वो डिसेबल हो चुका है और वो कम्युनिटी स्टैंडर्ड पे जा चुका है, ठीक है। इसलिए मैं अपने पर्सनल अकाउंट को वापस लाने के लिए आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ कि मैं कैसे इस अकाउंट को वापस लाऊंगा, ठीक है। आप भी इससे सीख लेना और आपके फ्यूचर में कभी इस तरह हो जाए, आपका अकाउंट डिसेबल हो जाए, तो आप उसको कैसे वापस ला सको, इस वीडियो के अंदर आपको पूरा मेथड बताऊंगा, ठीक है। वीडियो पूरी वर्किंग होगी, आपने वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो ये देख ले, आपके सामने ये शो हो रहा है कि योर अकाउंट हैज़ बीन डिसेबल, ठीक है। मतलब मेरा जो पर्सनल अकाउंट है वो डिसेबल हो चुका है आपके सामने और ये जो कम्युनिटी स्टैंडर्ड पे जा चुका है। और इसके ऊपर सिर्फ दो ही ऑप्शन आ रहे हैं, तीन ही ऑप्शन आ रहे हैं कि डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन और लॉग आउट योर अकाउंट या गो टू कम्युनिटी स्टैंडर्ड। आपने यहाँ पे गो टू कम्युनिटी स्टैंडर्ड पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपको जो फेसबुक की कम्युनिटी स्टैंडर्ड है वो सभी यहाँ पे रूल आपको जो करने चाहिए फेसबुक के ऊपर वो सभी यहाँ पे शो हो जाएंगे। आप इनको आसानी से रीड कर लेना, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। उसके बाद आप ये चाहते हो कि आपका अकाउंट यहाँ से वापस कैसे आए, ठीक है, तो आपको मैं बता देता हूँ इस वीडियो के अंदर, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले तो आपने यहाँ पे एक न्यू टैब ओपन कर लेना है। सिंपली यहाँ पे एक न्यू टैब ओपन कर लिया, उसके बाद यहाँ पे आपने सर्च बार में सर्च करना है माई पर्सनल अकाउंट हैज़ बीन डिसेबल्ड, ठीक है। तो ये फेसबुक का ही लिंक है, आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आपने पहले ही लिंक के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है, आपने नीचे नहीं जाना है, आपने फर्स्ट नंबर के लिंक के ऊपर ही क्लिक कर देना है, ठीक है। माई पर्सनल अकाउंट वॉज डिसेबल, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने ये जो लिंक है वो ओपन हो जाएगा। कई बंदों के पास तो ये लिंक जो है वो एक्सेप्ट नहीं होता है, उसका भी हल है मेरे पास, ठीक है, आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ। ये जो लिंक है कई लोगों के पास तो एक्सेप्ट होता ही नहीं है अगर वो यहाँ पे सेंड कर देते हैं जो यहाँ पे बोला हुआ है, ठीक है। तो आपने पता क्या करना है, आपने सिंपली यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है हेल्प सेंटर, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। आप जैसे इस हेल्प सेंटर के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। आपने थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हुए ऊपर देखो, आपको यहाँ पे थ्री लाइंस नज़र आ रही होंगी, ठीक है। आपने इस थ्री लाइंस के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। आप जैसे थ्री लाइंस के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पे आपने लास्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, पॉलिसीज एंड रिपोर्टिंग। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पे आपके सामने फिर से एक पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपने सेकंड नंबर वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है, रिपोर्टिंग अ प्रॉब्लम विद फेसबुक, ठीक है। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक कर दोगे यहाँ पे आपको ये जो पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपने थोड़ा सा नीचे आना है, आपको ब्लू कलर में यहाँ पे गिव फीडबैक अबाउट इट आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पे फेसबुक का एक पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके सामने यहाँ पे पेज ओपन नहीं होता है तो आपने सिंपली उसी पेज के ऊपर आपको एक ऊपर कम्युनिटी स्टैंडर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना। लेकिन आपके सामने ये पेज ओपन होने के बाद आपने यहाँ पे प्रोएक्टिव फीडबैक के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने एक पेज लोडिंग होकर आपके सामने ओपन हो जाएगा, जैसे मेरे सामने ओपन हुआ है। आपने यहाँ पे देखो आपके सामने ये पेज ओपन हुआ है, गिव अस फीडबैक अबाउट इट फेसबुक फीचर्स, ठीक है। तो आपने पता क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे प्लीज सेलेक्ट का बोला हुआ है, ठीक है। आपने जो सेलेक्ट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपने जो मैं बोल रहा हूँ वही आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने प्राइवेसी का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, आपने प्राइवेसी के ऑप्शन के ऊपर सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्राइवेसी के ऑप्शन के ऊपर सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे आपको फीडबैक देने का बोल रहा है, ठीक है। आपने फीडबैक क्या देनी है, अगर आपके पास ये भी पेज ओपन नहीं होता है या पेज ये सेंड नहीं होता है तो उसका हल भी मेरे पास है, आपको मैं वीडियो के अंदर ही बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो फीडबैक है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आपने फीडबैक यहाँ पे क्या देनी है। आपने सिंपली वापस वही पेज के ऊपर आ देना है, ठीक है, और यहाँ से योर अकाउंट हैज़ बीन डिसेबल से आपने कॉपी कर लेना है और गो टू कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स तक आपने यहाँ पे कॉपी कर लेना है, ठीक है, और अगेन उसी पेज के ऊपर चले जाना है। ये मैं उसी पेज के ऊपर आ गया और योर फीडबैक के अंदर आपने वो फीडबैक दे देनी है, ये फीडबैक आपने यहाँ पे डाल देनी है, ठीक है। ये डालने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे नीचे आपको ब्लू कलर में सेंड का बटन मिल जाएगा, आपने सेंड बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। आप जैसे ही सेंड बटन के ऊपर क्लिक करोगे ये जो फेसबुक टीम को वो सेंड हो जाएगी, आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। आपने सिंपली इस पेज को यहाँ पे कैंसिल कर देना है,
ठीक है, कैंसिल करने के बाद आपने अगेन इसको कैंसिल करना और यहाँ पे वाज दिस हेल्पफुल आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, येस एंड नो। आपने यहाँ पे नो के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे दी सोल्यूशन डज नॉट वर्क आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, अगर आपके पास ये पेज ओपन नहीं होता है, अगर हो भी जाता है तो आपने अगेन आके इसी के ऊपर क्लिक जरूर कर देना है और यहाँ पे ऑप्शनल के अंदर आपने यहाँ पे वही फीडबैक अगेन यहाँ पे डाल देनी है। ठीक है, डालने के बाद आपने यहाँ पे सबमिट कर देनी है। ये दो काम तो आपने कर दिए, अभी भी आपका अकाउंट वापस नहीं आएगा, इतनी जल्दी आपका अकाउंट यहाँ से वापस नहीं आने वाला है। ठीक है, ये जो आपने दो काम कर दिए उसके बाद अगेन आप अपने अकाउंट के ऊपर आओ और यहाँ पे ये जो अब फॉर्म है इसके ऊपर आओ। ठीक है, अब यहाँ पे आपने वो नेम जो है आपके अकाउंट को वो यहाँ पे डाल देना और जिसके ऊपर आपने अपनी आईडी वेरीफाई की थी आपने वहाँ पे यहाँ पे वो जो आईडी कार्ड है वो यहाँ पे डाल देना और यहाँ से सिंपली सेंड कर देना नीचे जो आपको सेंड का बटन मिलेगा। ठीक है, ये तीन काम करने के बाद आपने सिंपली अपनी उसी मेल के ऊपर आ जाना है जिस मेल के ऊपर आपका अकाउंट है। अगर ये भी मेरे पास हेल्प है कि आपकी अकाउंट के अंदर जो ईमेल है वो ऐड ही नहीं है, आपने सिंपली पता क्या करना है, आपने कोई भी मेल उठा लेनी है। ठीक है, भले वो फ्रेश हो भले वो यूज़र हो, आपने सिंपली वही मेल उठा लेनी है और उस मेल के ऊपर से जो मेल करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन मेरा जो अकाउंट था वो ऑलरेडी उसके अंदर मेल ऐड थी, इसलिए मैं यहाँ पे अपनी मेल के ऊपर आके यहाँ पे कंपस जो है इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा यहाँ पे आपने जो सर्च करना है मैं आपको बता देता हूँ, disabled@facebook.com। यहाँ पे आपने ये जो डाल देना है उसके बाद आपने सब्जेक्ट के अंदर आपने डालना है माई पर्सनल अकाउंट हैज़ बीन डिसेबल्ड। ठीक है, तो इससे आपने यहाँ पे जो ये डालने के बाद आपने सिंपली कंपस के ऊपर आ जाना है और यहाँ पे आपको जो मेल डालनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको मेल जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, अगर आपसे वहाँ से कॉपी नहीं होती है तो मुझसे इंस्टाग्राम पे आके पर्सनली में ले लेना। ठीक है, तो वो जो मेल है वो मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूँगा, वहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हो। ये वाली वो मेल है, आप मैं यहाँ से आपके सामने कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने पता क्या करनी है, मेल भी यहाँ पे डाल दी, उसके बाद आपने ऊपर आपको यहाँ पे ये जो लाइन है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना और यहाँ पे अटैच फाइल के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर पे जो ऑप्शन मिल रहा है अटैच फाइल का, इसके ऊपर आपने क्लिक करके अपना यहाँ पे आईडी कार्ड डाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपना आईडी कार्ड डाल के उसको यहाँ से फेसबुक टीम को सेंड कर देता हूँ। ठीक है, और जैसे ही फेसबुक टीम को सेंड हो जाएगी आपको 24 घंटों से पहले ही आपको फेसबुक टीम की तरफ से रिप्लाई आ जाएगा कि आपका जो अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपके अकाउंट का ओपन होने का यहाँ पे 100% चांस है। ठीक है, तो आप यही सेम ट्रिक यूज़ करना, मैं भी आपके सामने ही यही सेम ट्रिक यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा अकाउंट वापस आ जाएगा और उसी का मैं थंबनेल बना के आपको ये जो वीडियो पे नज़र आ रहा होगा वही मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो यही एक छोटी सी ट्रिक थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। इसी तरह की और वीडियोस मैंने अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर रखी हैं, उनको भी आप ज़रूर वॉच कर लें। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।